आपका स्वागत है हमारे पहले ब्लॉग में। मेरा नाम है सन्नी अरोड़ा और हमारे चैनल का नाम है अरोड़ा जी ब्लॉग। आज हम आपको ले जा रहे हैं कामा के सबसे मिस्टीरियस प्लेस 84 खंभे पे। यहाँ की मान्यता है, देखो हम अंदर घुस गए, देखो ये बाहर का व्यू है, अंदर जा रहे हैं हम। बाबा राम राम, देखो तो आ गए हम 84 खंभे में। यहाँ की मान्यता है कि ये इनको कोई भी गिनता है तो ये 84 नहीं बैठते हैं, ये 84 हैं वैसे तो। हाँ, इनको 84 खंभे बोला जाता है। कामा की सबसे फेमस जगह कामा डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में आता है, एक तहसील है कामा और स्टेट राजस्थान है। देखो ये 84 खंभा है, यहाँ का सबसे मिस्टीरियस प्लेस है। यहाँ पे इसको गिनते हैं तो भी ये 84 नहीं बैठते हैं, कभी 90, कभी 91 बिन में, पता ही नहीं लगता। पहली बार में आपके 90 बैठेंगे, सेकंड टाइम में 91 बैठ रहे हैं, 94 बैठ रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, कभी भी यहाँ हो तो यहाँ घूम के जरूर जाना। और मैं आपको दिखाता हूँ और आगे कभी। अब हम ऊपर आ गए, यहाँ बताया जाता है एक ही रात में बना था, एक ही रात में कोई कहता है भूतों ने बनाया था, तो कोई कहता है कृष्ण भगवान ने इसको बनाया था। ये 84 है कहने को, लेकिन बताया जाता है एक राजा थे जो यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि इनको काउंट करके देखते हैं। उन्होंने काउंट किए तो उनके नहीं बैठे पूरे 84 नहीं बैठे, तो वो 84 घोड़े लेके आए। उन्होंने 84 घोड़ों को सब जगह खड़ा किया तो भी वो 84 नहीं बैठे, और कभी उनके घोड़े कम हो जाते तो कभी खंभे का, कभी कुछ पता नहीं लगता, कभी क्या हो रहा है कभी क्या। तो इसलिए इसको मिस्टीरियस प्लेस बोला जाता है। देखो यहाँ का व्यू, आइए देखते हैं कोई यहाँ हो तो उससे पूछते हैं यहाँ के बारे में। अभी यहाँ पे कोई बताने वाला है नहीं फिलहाल, दोपहर का टाइम है तो यहाँ आने से लोग डरते भी हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे भूत भूत नहीं आ जाए, क्योंकि यहाँ का सबसे कहते हैं कि दोपहर को यहाँ आना नहीं चाहिए। लेकिन भाई पंजाबी हैं, हमें डर नहीं लगता। ये जगह जो है इसे राजा की गद्दी कहा जाता था, यहाँ राजा के बैठते थे पहले। तो यहाँ की बहुत मिथ है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। चलो आपको आगे और जगह भी दिखा के आते हैं, यहाँ की सबसे फेमस जगह। यहाँ पे हमें एक अंकल जी मिले, उनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में। हाँ जी बताना है। हाँ जी, ये 84 खंभा क्यों बोलते हैं इनको? ये 84 खंभे आधी रात के 12 बजे तक बने हैं। ये बनाए किसने थे वैसे? ये बनाए भूतन ने, उन्हें जिंदन ने, जिंदों ने। ये सच्ची बात है? हाँ सच्ची बात है। अच्छा, तो कितने टाइम पुराने हैं ये? है 5,500 वर्ष। 5,500 वर्ष? हाँ, जब जिंदन बनावे लगे जब रात के 12 बजे तक बनाए। तो ये कितनी देर में बने थे? ये सुन सही, हाँ। रात के 12 बजे तक बनाए। अच्छा, 12 बजे 1 बजे बैरवानी चाखी पे चून पीस करे पहले। हाँ। रही झट्टू चाखी बाड़िया में लामांडी। अच्छा चलो मैं बताऊँ तुमको। आओ देखिए रही। अच्छा, चार जो चार चार को है वह खम्मा में, इसको भी है इसको भी है उसको भी है। तो चाकी के निशान है ये, चाकी बाड़ी बैरवानी है ये। अच्छा 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 हाँ, और देखिए रही इसको 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 चार को है ऊपर है हम। अच्छा, और देखो चाकी है। अच्छा, चाकी बनी हुई है यहाँ पे?
ये चाकी निशान देखो, ये रही, अच्छा ये देख ले रही, हाँ ये जसोदा मैया को लाला रो ना यहाँ हाँ माँ गोकुल में 6 महीना, गोकुल में 6 महीना यहाँ अच्छा छठी पूजी, अच्छा ये अच्छा लाला के चिन्ह लत्ता तो ये बांधते बताओ कृष्ण भगवान ने बनवाया ना, ना? ना अच्छा बस आके रहे। हाँ अच्छा यहाँ आके रहे बनवे के बाद? अच्छा हाँ ये जब लाला जला, अच्छा और ये जो बना वो ये कहीं ये उनको 5 पांडव उनको मिलो वनवास मिलो अज्ञावास हाँ मिलो, हाँ वो आके यहाँ बनी भटकते डोलते, हाँ अच्छा बनी भटकते डोलते डोलते, जब उनकी क्या चलना चाहिए, हाँ जब 1 साल यहाँ काटो, एक भाई यहाँ गए धर्मराज जी अच्छा और 4 भाई यहाँ बैठे, या मैं तो ये जब गिने 84 ना बैठे हैं ये कभी भी 84 यहाँ बैठे, कि तो कितने बैठे हैं? ये है खम्मा हाँ 102। तो 102 बैठे हैं। हाँ मैं आया हूँ पिछली बार जब गिने मैंने मेरे 91 में बैठे ना और दो दो एक बार गिने 90 कभी 91 ऐसे ना बैठे, 102 बैठे एक से हैं, दो भी बैठे हैं 101 102, तो फिर इन्हें 84 क्यों बोले? अच्छा ये 84 दे जान देखो हर खम्मा में, हर डिजाइन अच्छा अच्छा देखो, ये खम्मा में हर डिजाइन, ये देखो हर डिजाइन हर खम्मा में अलग अलग तो ये हमेशा गिने तो 84 ही बैठे हैं? ओह 102 ही बैठे हैं, है, 102 कम्बर से बैठ जाए। कम बलती हो जाए। हाँ कम्बर से कभी 101 बैठ जाओ, कभी 80 100 बैठ जाएंगे, वैसे अच्छा वैसे 102 अच्छा वो खम्मा। जो दीवार पे वो लिखो वो है आगे वो कहाँ है? वो बचे ना किसी पर, अच्छा उस सुनने में आया कि पांडव ने उनने लिखो हाँ या उनने लिखो जिनने बनाया हाँ जिंदन ने? अच्छा ये बचे ना काय 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 बनाने से, अच्छा ले भैया ये वाला। अच्छा तो इनको कोई पढ़ ना सके कोई हैं? ना पढ़ पढ़ पढ़े ना गंदे आदमियों में, ये तो अच्छा अब तो एक ये तो हाँ ऐसे ये बाढ़ आयो, एक अच्छा हाँ वाले अब तो ऐसे नहीं है, ऐसे वाली वो रोड़ी से लगा के, हाँ गलत कर दिया वाने वो पूरा मिट गया ही। अब यहाँ मैं धोऊंगा काय दिन, हाँ यहाँ हाँ वह साफ हो जाएगा। पानी धोऊंगा, अच्छा तो इनने जिंदन ने बनाया हो? हाँ खड़िया से लगा दिया हम हाँ खड़िया, हाँ खड़िया हाँ वहाँ की वजह से वो हो गया खराब। साफ कर सही हो जाएगा कोई? हाँ पानी लगाऊंगा तो खड़िया ही वो तो हाँ धो जाएगी। तो यहाँ बाबा जी ने बताया कि यहाँ पे अंकल जी थे उन्होंने बताया कि ये जिंदों ने बनाया था 12 रात के 12 बजे तक ये बना था। तो बताया था कोई लेडीज़ को यहाँ आई थी जिन्होंने चक्की पीसी थी उसकी वजह से रुका था उनकी आवाज़ों से। तो ये यहाँ पे रहते हैं बाबा जी अंकल जी जो हैं। तो आज के लिए इतना है ब्लॉग के लिए। थोड़ी आवाज़ इसमें ख़राब आई है क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग है। अपना कमेंट करके बताइए क्या इम्प्रूवमेंट करना है। क्या नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कामा के स्ट्रीट फूड के बारे में या और भी एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे। अभी हम कामा को एक्सप्लोर करें। थैंक यू। ये है 84 खंबा देख लीजिए। राम राम जी।